Good afternoon, everyone. Hello, Abhishek. Hi, Sargam. How are you? Hi, Srishti. Good morning. Sorry, good afternoon. Hi, Uzumaki. एक क्वेश्चन है कि अगर कैनबिस कैरी करते हुए पकड़े गए तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे फूड पर्पस के लिए था. ओके, वो जान जाएंगे जिस पर्पस के लिए कैनबिस आप समझ रहे हैं उस कैनबिस का पर्पस का जो फॉर्म है उसका शेप है अलग होता है. जो फूड के लिए पर्पस के लिए होता है वो उसका अलग होता है. तो जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको पता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं. तो आप समझाइएगा मत, तो अपने आप समझ जाएंगे सब. हाय वेदिका, गुड आफ्टरनून, हाउ यू. वेदिका, यू हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन इन द यूट्यूब क्लास. आई थिंक आई कुड नॉट ट्रैक दैट क्वेश्चन. अगर आपका वो क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया हो तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ. हाय वैशाली, हेलो अमन, हाउ यू. नमस्ते देवेंद्र, कैसे हो भाई, लॉन्ग टाइम. यस सृष्टि, तुम समझदार हो. हेलो अंकुर, हाय हर्ष, प्रणाम रोनित, हाय काजल, हाय अभिमन्यु, हाउ यू, हाय राहुल. ओके, हेलो रोहिणी, हाय चंदन, आई एम गुड टू अमन, आई एम गुड. यस यस सृष्टि, लॉन्ग टाइम जया, हाउ आर यू. वॉट वॉज देयर आफ्टर नीदरलैंड्स. वेदिका, यू नीड नॉट लर्न ऑल द कंट्रीज जहां जहां पे कैनबिस अलाउड है. सारी कंट्रीज अलाउड नहीं होती है, सॉरी, सारी कंट्रीज रटना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए. यू कैन चेक दैट. हाय मान्या, लॉन्ग टाइम, हाउ यू. डिफरेंस बिटवीन कैनबिस एंड कैनिबल. कैनिबल इज अ पर्सन हु ईट्स लिविंग पीपल, नरभक्षी. कैनबिस इज अ प्लांट. इतने दिनों से बीएल और जीके क्यों नहीं हो रहा था यार. इतने दिनों से कुछ बहुत ही जरूरी और बहुत ही खतरनाक काम था, वो काम हो रहा था, अब से होगा. सॉरी, मैंने नहीं किया. इट वॉज दीज गाइज, आई मीन दीज गर्ल्स. ओके, शुरू करें. चलो भाई, तो आज का एजेंडा आपने देख लिया क्या है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेशनल पार्टीज. नेशनल पार्टीज का डिस्कशन हम करने वाले हैं. क्या डाउट है भाई, क्या डाउट है संजना, क्या डाउट है, क्या डाउट है बता दीजिए. जो डाउट है पूछ लो भाई, मैं देख नहीं पाया डाउट. ओह, वी विल हैव अ डिफरेंट क्लास फॉर दिस, डिफरेंट क्लास फॉर दिस. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का डिस्कशन क्या होने वाला है, तो डिस्कशन का पहले आप इशू समझ जाओ. तो हो क्या रहा है, आपको पता है नेक्स्ट ईयर इज 2024. नेक्स्ट ईयर इज 2024. 2024 में लोकसभा इलेक्शंस होने हैं. वी आर गोइंग टू हैव द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2024. दो मिनट, क्लास नहीं ज्वाइन हो पा रही है कुछ बच्चों की. लेट मी चेक किसकी नहीं ज्वाइन हो पा रही है क्लास. किसी को क्लास ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है क्या भाई, किसी को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है क्या क्लास. हमारी तो हो गई, सबकी हो गई. चलो कोई नहीं. तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों की 2024 में लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं. वी आर गोइंग टू हैव लोकसभा इलेक्शंस इन द ईयर 2024. यार मेरे को एक मिनट दोगे. अब इन लोकसभा इलेक्शंस के पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं. पॉलिटिकल पार्टीज अपना स्टेटस चाहती हैं
कि मेरे को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाए तो मेरे को स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल जाए। हर पार्टी चाहती है, जिसको ये मिल सकता है वो ये चाहता है, जिसको ये मिल सकता है वो ये चाहता है। तो 2024 के इलेक्शन के पहले बहुत कम समय बचा है, एक साल से कम समय बचा है, ऑलमोस्ट बस एक साल बचा हुआ है बिफोर द 2024 इलेक्शंस आर अनाउंस्ड। तो उसके पहले अलग अलग पार्टीज अपना पॉलिटिकल पार्टीज अपना स्टेटस चाहती हैं एज देयर नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। मैं आपको बताऊंगा नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी क्या होता है। तो इसके लिए क्या हुआ है कि जो आम आदमी पार्टी है, कौन? द आम आदमी पार्टी, राइट? आम आदमी पार्टी, लक्ष्य, यू कैन यार सी द क्लासेस आर गेटिंग रिपीटेड, आई मीन रिपीटेड, द कंटेंट इज रिपीटेटिव, इन दैट केस यू कैन स्किप। आई विल से कि आप एक एडुकेटर को देख लो, जैसा भी जो आपको सही लगे। बट अगर आपको लग रहा है कि सब लोग वैरायटी की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जैसे दिव्य है, तो दिव्य लॉजिकल पढ़ा रहा है तेरे को, तो अगर वो लॉजिकल पढ़ा रहा है तो भाई लॉजिकल तो पढ़ ही लेना यार, इसमें कहाँ कोई रिपीटेशन है। मेरा फंडा कहने का मतलब ये है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल किसी से नहीं हो पाएगा। हालांकि कोई कितना भी बोलता रहे कि मैं ये भी करा दूंगा, सब करा दूंगा, मैंने खुद ही बोला कि यार मैं लॉजिकली पढ़ा दूंगा, क्रिटिकली पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आपको पता है। तो अगर आपको अलग अलग टॉपिक्स हैं तो अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स के इश्यूज हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तभी क्या इट्स कूल टू गो अहेड विद मल्टीपल एडुकेटर्स। बट इफ यू आर स्टडिंग, लेट्स से पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो अगर तूने मेरे से पॉलिटी पढ़ ली है तो किसी और से भी पॉलिटी पढ़नी है तो इन दैट केस रिपीट हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर रिपीट हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं रिपीट हो रहा है तो योर चॉइस। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, शशांक को क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई? आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का क्या सीन है ना, आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हमको नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दो, हमको नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दो। अब ये नेशनल पार्टी का स्टेटस मांग रहे हैं, लेकिन नेशनल पार्टी का स्टेटस इनको दिया गया नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, कर्नाटका हाईकोर्ट में केस फाइल कर दिया। कहां पे फाइल कर दिया केस? कर्नाटका हाईकोर्ट में। तो इन्होंने कर्नाटका हाईकोर्ट में केस फाइल किया और केस का नाम क्या पड़ गया, आम आदमी पार्टी। अच्छा, किसके खिलाफ केस फाइल करेंगे? जो भी नेशनल पार्टी का स्टेटस है, स्टेट पार्टी का स्टेटस है, इंडिया में इलेक्शंस रिलेटेड मुद्दे हैं, वो कौन डील करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डील करेगा। तो आम आदमी पार्टी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्लियर? तो ये केस कहां का है? दिस केस इज ऑफ कर्नाटका हाईकोर्ट, ये हाईकोर्ट का केस है। हालांकि इस केस में आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है, लेकिन इस केस में जिस मुद्दे की बात की गई है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको पढ़ना है। तो आम आदमी पार्टी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में कर्नाटका हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह बोला है कि जल्दी से फटाफट, डेडलाइन कितनी दी गई है? डेडलाइन दी गई है अप्रैल 14 की। यह बोला गया है कि अप्रैल 14 के पहले पहले आप आम आदमी पार्टी के केस को सॉल्व करिए, आम आदमी पार्टी के जो प्रॉब्लम है आप इनको देखिए, अगर इनको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलना चाहिए तो दीजिए, नहीं मिलना चाहिए तो दो थप्पड़ मार के इनको वापस भेज दीजिए। कहने का मतलब है डिस्पोज ऑफ करो भाई, तुम्हें जो करना है वो करो, फालतू का बवाल ना हो, जिस पार्टी का जो कंसर्न है आप उसको एड्रेस करिए। अगर आम आदमी पार्टी को लीगली मिलना चाहिए तो तुम उसको दो, अगर तुमको लगता है कि नहीं इनकी जो डिमांड्स हैं अनजस्टिफाइड है, नहीं मिलना चाहिए तो मत दो, उसको डिनाई कर दो, लेकिन मुद्दा सॉल्व करो। वी डोंट वॉन्ट दिस इशू टू बी हैंगिंग ऑन बिकॉज इलेक्शंस आर कमिंग नेक्स्ट ईयर, सो बिफोर द इलेक्शंस एवरीथिंग शुड बी सॉर्टेड। तो अप्रैल 14 की डेडलाइन मिली है, तो न्यूज क्लियर हुई। न्यूज क्या है अब, न्यूज के अंदर जो लीगल इशू मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलेक्शन सिंबल एलोकेशन एंड रिजर्वेशन रिकॉग्निशन एंड एलोकेशन रूल्स 1968। दिस इज फ्रेम्ड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इसके अंडर जो नेशनल पार्टी क्या होता है, स्टेट पार्टी क्या होता है, यह मैं आपको समझाने वाला हूं, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, अगर आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी का स्टेटस चाहती है तो कुछ फायदा होगा ना, अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई हमको नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दो तो कुछ बेनिफिट होगा, तभी तो मांग रहे हैं, ऐसे क्यों मांग रहे होंगे? तो बेनिफिट्स ऑफ नेशनल पार्टी क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में करंटली कितनी नेशनल पार्टीज हैं, हमारे देश में कितनी नेशनल पार्टीज है, ये भी बताऊंगा आपको। और फिर जानेंगे इंडिया के इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में और कुछ क्वेश्चन पूछते हुए चलेंगे। तो क्लास की शुरुआत होगी क्वेश्चन से ही, सबसे पहला क्वेश्चन ही है आपको बताना है, जब हमारे देश में पहली बार
इलेक्शंस हुए थे तो हमारे कंट्री में कितने नेशनल पार्टीज थे, हमारे कंट्री में कितने नेशनल पार्टीज थे जब हमारे देश में पहली बार इलेक्शन हुए थे? पहली बार हमारे कंट्री में इलेक्शन कब हुए थे पीपल? When we had the elections in our country for the first time, देखो पहला लोकसभा जब हुआ था, पहला लोकसभा कब हुआ? 1952 में, राइट? क्लियर? पहले लोकसभा के रिजल्ट्स कब आए? 1952 में तो आए। पहले लोकसभा का जब इलेक्शन होगा उसका कब सीन हुआ? 1952। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा की पहले इलेक्शन में, लोकसभा का पहले इलेक्शन में क्या हुआ था तो आप क्या बताओगे? लोकसभा के 51 में इलिटरेट ज्यादा नहीं थे इसलिए, 51 में इलिटरेट ज्यादा नहीं थे इसलिए। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, आप जैसे बहुत पढ़े लिखे हो गए ना हमारे देश में। अरे तुम इसको देखो, मेरे को बताओ कि लोकसभा में जब 1952 में हमारे ढेर सारे पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा, हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शन हुए, तो उस समय हमारे देश में कितने नेशनल पार्टीज होते थे? उस समय हमारे देश में कितने नेशनल पार्टीज होते थे? 11, 12, 8, 14। आपको सरप्राइज होगा आंसर जान के, लेकिन आंसर का रीजन मैं आपको बताऊंगा। आप लोग कॉल करो, मैं आ गया, आप लोग कॉल करो, आई विल बी देयर, आई विल बी बैक। So the answer here is 14. How many parties were there? There were 14 national parties. In the first Lok Sabha, that was from 1952 to 1956, there were 14 national parties. Clear ho gaya? करंटली कितने हैं हम लोग के? 8। करंटली कितने हैं हम लोग के? 8। क्लियर वेदिका? करंटली वी हैव गॉट 8, राइट? क्लियर? करंटली वी हैव गॉट 8। इन द फर्स्ट लोकसभा वी हैड गॉट 14, ये ध्यान रखिएगा, ठीक? अच्छा, जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि नेशनल पार्टी के स्टेटस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या-क्या कंडीशंस होती हैं? देयर कैन बी थ्री सिनेरियो अंडर व्हिच अ पार्टी कैन बिकम अ नेशनल पार्टी। क्लियर? पहला क्या है कि कोई भी पार्टी is a state party in 4 states. 4 states में आप state party हो, clear? अब state party के लिए क्या क्या conditions है वो मैं भी आपको बताऊंगा। state party के लिए conditions अभी next page पे करेंगे। तो पहला क्या है कि आप 4 state में state party रहे हो, clear? अगला है आपका 2% seats हो इन लोकसभा इलेक्शंस में। मान लो 550
550 वोटिंग हुई, 550 सीट्स हैं, तो 550 सीट में अगर तुम्हारे पास 11 सीट्स आ गई, अगर 11 सीट आ गई तो मतलब आप नेशनल पार्टी बन गए। और तीसरा कंडीशन क्या है कि आपके पास 6% वोट्स हो, 6% वोट्स हो इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन में या लेजिस्लेटिव इलेक्शन में आपके पास 6% वोट आए हो एंड 4 सीट्स हो, 4 सीट्स हो लोकसभा की। क्लियर हो गया? लोकसभा के इलेक्शन में या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में आपके पास 6% वोट आए हो, साथ ही साथ आपके पास 4 सीट्स भी होने चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस चाहिए होती हैं इन ऑर्डर टू बिकम अ नेशनल पार्टी अंडर द लॉ ऑफ इंडिया। इंडिया का जो लॉ है ये किसके अंडर होता है, अभी ये किसके अंडर होता है बताऊंगा। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। इसमें किसी कोई डाउट, इसमें किसी कोई डाउट, पहले वाले में किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट यहां पे पहले वाले में, सिर्फ पहले वाले में नहीं ना, दूसरे वाले में किसी कोई डाउट, सिर्फ दूसरे वाले में, सिर्फ दूसरे वाले में किसी कोई डाउट नहीं। अब आप लोग तीसरा वाला ध्यान सुनो। तीसरा वाला ये कहता है अगर लोकसभा इलेक्शन हुआ तो उसमें तुम्हारे पास 6% वोट्स आए हो और 4 सीट्स हो, लेकिन अगर मान लो लोकसभा इलेक्शन नहीं हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ है, तो तुम्हारे पास क्या हो, तुम्हारे पास 6% वोट हो इन 4 स्टेट्स, 1, 2, 3, 4, इन 4 स्टेट्स के जब इलेक्शन हुए तो आपकी पार्टी को हर इलेक्शन में 6% से ज्यादा वोट मिला, प्लस आपके पास 4 सीट्स हैं। लेकिन ये लोकसभा वाली चलेगी। तो जब मैंने यहां पे लोकसभा और एलए स्लैश किया था तो एलए मतलब मान के चलो 4 स्टेट्स का एलए। अब क्लियर हुआ? अब डाउट क्लियर हुआ आप लोगों को? बाकी सेम है, 4 सीट्स होंगी लोकसभा में, ये एडिशनल कंडीशन है, साथ ही साथ 6% वोट होने चाहिए या तो लोकसभा में या तो एलए में। एलए है तो 4 स्टेट्स का एलए, लोकसभा तो एक कंट्री का एक ही लोकसभा होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस पीपल रिपीट, सॉरी टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट, कोई डाउट है तो बता दो। ये स्लाइड देखनी है, देख लो, सेकंड वाले में एक ही स्टेट की सीट चाहिए या डिफरेंट, कहीं से भी हो, कहीं से भी हो फर्क नहीं पड़ता। सॉरी बता रहा हूं सेकंड वाला अलग है, रुको, सेकंड वाला बता रहा हूं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर से कंडीशंस रिपीट कर रहा हूं। पहली कंडीशन है कि फोर स्टेट्स में यू आर अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। सेकंड हो गया, यू हैव गॉट 2% लोकसभा सीट्स, बट दिस शुड बी कमिंग फ्रॉम 3 और मोर स्टेट्स, दिस इज कमिंग फ्रॉम 3 और मोर स्टेट्स। अगर मान लो तुम्हारे पास 2% लोकसभा सीट आ गई, सारी की सारी यूपी से आ गई, तो चलेगा? नहीं, यूपी से आए, एमपी से आए, गुजरात से आए, कम से कम 3 स्टेट तो चाहिए ही चाहिए। अगर महाराष्ट्र में भी है, कहीं और भी है तो अच्छा है, चलेगा, लेकिन 3 स्टेट में मिनिमम होनी चाहिए 2% सीट आपकी। और लास्ट है, आपके पास 6% वोट हो ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली 4 स्टेट्स की, प्लस आपके पास 4 लोकसभा की सीट्स हो। अब क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर दिया मैंने, रिपीटेड इट वंस अगेन पीपल, जस्ट लेट मी नो, डाउट है तो पूछ लेना, कोई ऐसा लोड नहीं है, डाउट है तो पूछ लेना, मैं रिपीट कर दूंगा। ये तीन कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू विच वी टॉक अबाउट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टीज। और ये बातें कहां पे दी हुई हैं? दीज थिंग्स आर मेंशन्ड अंडर द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट।
rules 1968. These rules are framed under section number 29 capital A of the Representation of People Act 1951. इसके अंदर इन रूल्स को फ्रेम किया गया है और इन रूल्स में क्या बोला गया है, आप चार स्टेट में स्टेट पार्टी हो या आपके पास 2% लोकसभा की सीट आई है तीन अलग अलग स्टेट से, या आपके पास लोकसभा की चार सीट है साथ ही साथ आपके पास 6% वोट है लोकसभा के, या आपके पास 6% वोट है चार स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो पहली दोनों में ऑप्शंस हैं। अगर मैं थर्ड कंडीशन को यहां पे रिपीट करूं तो एक तो कंपलसरी है कि आपको 4 सीट्स लोकसभा में होनी ही होनी है, प्लस आपके पास 6% वोट हो लोकसभा का और 6% वोट हो लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑफ 4 स्टेट्स। तो ये कंडीशन के साथ साथ इनमें से कुछ भी मिला लो फॉलो हो जाएगा। अब क्लियर हुआ? ऋतु ऐसे ही आएगा, पढ़ के जान जाओगी, कुछ बहुत अलग नहीं होगा वहां पे, जो मैं समझा रहा हूं ऐसे लिखा होगा। भाई अब समझ में आया कि नहीं आया, कैसे बताऊं अब? लास्ट स्लाइड इज हियर, चेक इट आउट। किसको नहीं आया अब किसको नहीं आया बताओ? जिसको नहीं आया बता देना भाई, 5 बार रिपीट कर चुका हूं मैं, 6 बार भी कर सकता हूं, ऐसे कोई बात नहीं है। सो देयर इज दिस न्यू बैच दैट इज कमिंग, दिस इज कॉल्ड योर द वॉरियर बैच, यू कैन गो फॉर इट, आप इसके भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मैंने अभी दिखा दिया आपको, वैसे आ रहा था मेरे पे हैंडआउट्स। ओके, एंड दिस इज अंडर, ये सब कहां पे दिया हुआ है? ये सब दिया हुआ है अंडर द इलेक्शन सिंबल रूल्स। ये रूल्स कहां दिए हुए हैं? This is election symbol rules 1968. These rules were framed under section number 29 capital A of Representation of People Act 1951. Clear? Is this clear people? 2024 wale. हाँ हाँ यस लक्ष्य, यस एग्जैक्टली, यस यू विल, यू शुड आगे चलू। ये नेशनल पार्टी का स्टेटस कैसे मिलता है, ये डेफिनेशन क्लियर हुई नेशनल पार्टी की आप लोग को कि नहीं क्लियर हुई? नहीं हुई तो बता दो भाई, वैसे मैंने 4-5 बार बता दिया, पता नहीं क्या डाउट है। जो डाउट है आप लोग पिन पॉइंट करके पूछ लो मेरे से, रिपीट करने को मत बोलना। कोई कंडीशन ना समझ में आई हो वो बता देना, या कोई कॉन्सेप्ट ही ना समझ में आया हो। तीन कंडीशन मैंने बोली हैं, तीनों कंडीशन यहां पे लिखी हुई हैं। ये तीन कंडीशंस हैं। ये तीन कंडीशंस हैं। सबको आ गया? ओके, अच्छा एक काम करें, डू यू वॉन्ट मी टू टेल द कंडीशन ऑफ द स्टेट पार्टीज आज ही? मैं सोच रहा था स्टेट पार्टीज का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको भी बताऊंगा, देखो कचूमर निकल आएगा। तो अभी नेशनल पार्टी का स्टेटस का कंडीशन, तीन कंडीशन है, 1, 2, 3 ये क्लियर हो गया। तो स्टेट पार्टीज में 5 कंडीशंस हैं। कितनी? 5 कंडीशंस। इन 5 कंडीशंस को कैसे किया जाए थोड़ा रुक के बताता हूं, पहले बाकी चीजें डिस्कस कर लें, क्योंकि अभी तुरंत तुरंत बताऊंगा तो फिर खिचड़ी पिचड़ी हो जाएगा। अभी नेशनल पार्टी में तो ऐसे भी इतना डाउट हुआ है आप लोग को, इसमें कितनी कंडीशंस थी? नेशनल पार्टी की 3 कंडीशंस होती हैं और स्टेट पार्टी, अरे कहाँ यार, एक मिनट रुकना जरा, मैं क्या कर रही हूँ? अच्छा, नो, You guys want to see? Up, jump. Go. Jump.
ओके तो यहां पे तीन थी नेशनल पार्टीज में, तीन थी राइट, यहां पे पांच है, यहां पे तीन थी यहां पे पांच है, ये अभी मैं बाद में कराता हूं, ये तो खिचड़ पिचड़ होगा, मैं आगे चलता हूं अभी, ठीक है? अरे जाओ भाई, ओके यस्टरडे कल ओके ओके इसका नाम क्या है, ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स हमने ये तो देख लिया कि नेशनल पार्टी क्या होती है, बेनिफिट्स क्या है. देखो जब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला बात तो ये कि अगर आपकी पार्टी नेशनल पार्टी हो गई तो आपको इलेक्शन के टाइम पे टीवी पे फ्री में एड दिखाने का मौका मिलता है. अच्छा मान लो तुमको टीवी पे एड दिखाना है तो टीवी पे अगर एड दिखाना है तो ये चीज कैसे आप बिना पैसे के दिखा सकते हो, बिना पैसे के टीवी पे एड दिखा सकते हो बताइए? बिना पैसे को तो आप टीवी पे एड नहीं दिखा पाओगे आपको. लेकिन नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एयर टाइम मिलेगा, एयर टाइम ऑन नेशनल टेलीविजन मतलब जो सरकारी चैनल है दूरदर्शन हो गया, तो दूरदर्शन के ऊपर आपको फ्री में एड दिखाने का मौका मिलेगा अगर आपके पास नेशनल पार्टी का स्टेटस है. क्लियर हो गया? अगर आपके पास नेशनल पार्टी का स्टेटस है तो आपको क्या होगा, इलेक्शन के टाइम पे कभी भी नेशनल पार्टी आलू समोसे बेच रही है क्या, कभी भी दिखा देंगी? अरे इलेक्शन होगा तभी तो ऐड दिखाएंगे ना कि हमको वोट दो हम लूटने आ रहे हैं. नेशनल पार्टी ड्यूरिंग द इलेक्शंस द नेशनल पार्टी हैज गॉट द अपॉर्चुनिटी टू शो फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट ऑन दूरदर्शन, ऑन नेशनल टीवी. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर हुआ? बोलो. क्लियर हो गया? अगर सच में बोले तो हम लूटने आ रहे हैं तो क्या मजा आएगा. हाँ क्लियर हुआ, पहला बेनिफिट क्लियर हुआ. अगला बेनिफिट ये है, पहला हो गया फ्री एयर टाइम. अगला ये है कि आपको क्या मिलेगा, आपको 40 स्टार कैंपेनर्स मिलेंगे. संकेत कर रहा है लेकिन आम आदमी पार्टी की तो पार्लियामेंट में सीट नहीं है. संकेत तुमने कल ही खोली है क्या पार्लियामेंट ऑफ द मिडविट्स, सॉरी डिमविट्स? कैसी वाहियात बातें कर रहे हो भाई, जब पता ना हो तो क्यों बातें कर रहे हो? पढ़ाई क्या करो बैठ के, प्रोजेक्शंस मत निकाला करो क्लास में. 40 स्टार कैंपेनर्स आपको मिलते हैं. ये क्या होता है, व्हाट इज स्टार कैंपेनर? देखो स्टार कैंपेनर का बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप इलेक्शन में अपना प्रचार करते हो तो इलेक्शन प्रचार के लिए ना एक बजट होता है और ये बजट फिक्स होता है, आप इस बजट को क्रॉस नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस दिस बजट. लेकिन जो स्टार कैंपेनर का खर्चा होता है वो इस बजट में नहीं जुड़ता है. तो होता क्या है कि आप एक तरीके से फिक्स बजट के अंदर आप एक्स्ट्रा प्रचार कर सकते हो, क्योंकि बोला ना कि स्टार कैंपेनर का खर्चा इस बजट में नहीं जुड़ेगा, तो आपको 40 स्टार कैंपेनर्स अलॉट करने का मौका मिलता है. क्लियर हो गया? तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने बड़े बड़े नेताओं को क्या करती हैं, स्टार कैंपेनर बना देती हैं. और स्टार कैंपेनर बनाने से फायदा ये होता है कि उन लोगों का कैंपेन भी होता है और बजट में भी नहीं आता है. क्लियर हुआ एवरीवन? इज दिस क्लियर? नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलने के बाद रिमूव भी होता है. क्लियर हुआ इतना क्लियर हुआ? 40 स्टार कैंपेनर्स के पास बेनिफिट ये होता है कि ये लोग फ्री का कैंपेन कर सकते हैं. क्लियर हो गया?
इज दिस क्लियर? बोलो भाई आगे चलें, आगे चलें। उसके अलावा आपको दिल्ली में ऑफिस स्पेस मिलता है, जितनी भी नेशनल पार्टीज होंगी इनको ऑफिस स्पेस मिलेगा इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में इनको ऑफिस स्पेस भी मिलेगा। क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? जैसे मान लो मैंने अपनी पार्टी खोली, अन अकेडमी मन बुद्धि स्टूडेंट्स पार्टी, अभी क्या यहां पे ये पार्टी को अगर ऑफिस खोलना होगा तो इसको क्या अपना पैसा लगाना पड़ेगा ना ऑफिस के लिए, स्पेस के लिए रेंट देना पड़ेगा, अपना ऑफिस खुलवाना पड़ेगा, सब कुछ करवाना पड़ेगा? अभी ऐसा नहीं पॉसिबल है, हमारे में फ्री का ऑफिस नहीं मिलेगा। लेकिन आगे चल के हमारी पार्टी बहुत तगड़ी हो जाए और मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, तो हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई, तो हम लोग की पार्टी को फ्री में ऑफिस स्पेस मिलेगा न्यू दिल्ली में, पैसा नहीं देना पड़ेगा। बात समझ में आई? ये संजना क्लियर हुआ? बोलो भाई। बोलो आगे चलूं? तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ नेशनल पार्टी, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ नेशनल पार्टी। कभी भी नेशनल पार्टी कोई होता है तो उसको ये बेनिफिट्स मिलते हैं, इसीलिए पार्टी चाहती है कि हमको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाए। क्लियर? अच्छा, करंटली हमारे कंट्री में कौन कौन सी नेशनल पार्टीज हैं? करंटली हमारे कंट्री में देखो, बीजेपी तो होगी ही होगी, कांग्रेस तो होगी ही होगी, और सीपीएम भी है, वेरी गुड, सीपीआईएम भी है, सॉरी सीपीएम जो होता है वो सीपीआईएम ही होता है, सीपीएम कुछ नाम नहीं है, सीपीआई है, सीपीआईएम है। बीएसपी भी है, वेरी गुड, एसपी भी है, ठीक है, चलो एसपी नहीं है, एसपी नहीं है, टीएमसी, वेरी गुड, टीएमसी है, टीएमसी है। ये कितने लॉस्ट लोग हैं जो लोग आप बार बार बोल रहे हैं। अबे लीचड़ इंसान, आप नेशनल पार्टी हो रही होती तो टॉपिक डिस्कस क्यों कर रहे होते भाई? इनको स्टेटस नहीं मिला तभी तो पहुंचे हुए हैं कर्नाटका हाईकोर्ट में, केस वेस हो गया है, पगला गए हो क्या? अगला कौन है? एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और कौन बचा? और है एनपीपी। एनपीपी इज द फर्स्ट पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, इट इज द फर्स्ट पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट जिसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? दिस इज द फर्स्ट पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट जिसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। आपको यह पता होना चाहिए कि आठ पार्टीज हैं, कौन कौन सी हैं आप लोग देख लो बस। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड नेशनल पीपल्स पार्टी। क्लियर? क्लियर? भाई संकेत मुझे पता है, तो ये सब मेरे को चीयर अप करने के लिए कर रहा है ना। चल हंस दिया, हाँ हाँ हाँ, अब हो गया भाई, हो गया हो गया। अभी क्या, आप सीरियसली पढ़ाई करो। चलो पीपल, यस, इज इट क्लियर एवरीवन? बोलो बे। नेहा तो उसके पीछे ही पड़ जा। सर आपकी पार्टी किन किन, ये सारी पार्टीज जो है ना वो मेरे पार्टी के अंडर काम करती हैं, सारे पार्टीज मेरे पार्टी के अंडर काम कर रहे हैं इस समय। उसका नाम अभी यहाँ पब्लिकली नहीं बता सकता आप लोग को, बताऊंगा आप लोग को, पर्सनल टेक्स्ट करूंगा व्हाट्सएप पे, तो बताऊंगा। आगे चले, आगे चले कि नहीं चले बताओ। ओके संजना, कॉल पे बता दूंगा। आगे चलू, मतलब आप भी पैसे खाते हो, मैं पैसा खाने वालों को खाता हूं। क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर नॉट? सर पहले डीएम पर रिप्लाई दे दीजिए, पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है, फिर किसी चीज में इंटरेस्ट है भाई? पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है, हो जाएगा डीएम, रुक जाओ। आगे चलें, आगे चलें पीपल। बेनिफिट्स आर क्लियर, बेनिफिट्स आर क्लियर? क्या डाउट है जल्दी पूछ,
पूछ, क्राइटेरिया इज क्लियर, बेनिफिट्स इज क्लियर, करंट स्टेटस इज ऑल्सो क्लियर, करंट स्टेटस इज ऑल्सो क्लियर. आगे चलू. सर क्या स्टेट पार्टी कोलिशन कर सकती है? कुछ भी कर सकती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. स्टेट पार्टी कोलिशन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, उससे कोई रोल उसका कोई लोड नहीं है. क्लियर? क्लियर. नेहा पता नहीं यार, शांति से बैठे हुए हैं लोग, तो शायद 50-60 लोग होंगे, 60-70. क्लियर? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे चलू, आगे चलू. यार तुम लोग छोटे बच्चे हो यार. करो करो अब करो. अरे इमोजी भेज लो यार. आगे चलो. अब एक काम करते हैं, अब मैं आप लोगों को ना स्टेट पार्टी का फंडा बताऊं. अब मैं आपको स्टेट पार्टी का फंडा बताऊं. स्टेट पार्टी कौन कौन सी पार्टीज को स्टेट पार्टी का वो मिलता है. अभी तक का हमने डिस्कशन कर लिया, अभी तक का हमने डिस्कशन कर लिया, अब हम लोग स्टेट पार्टी करें. देखो यार, जब हमने नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी का बोला ना, तो नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी का मतलब ये नहीं कि नेशनल पार्टी कोई अलग से है, इनके लोगों को ड्रेस पहनने को मिलेगी, स्टेट पार्टी वालों को बोला जाएगा कि नहीं तुम लोग स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आओ, विदाउट कोई पार्टी होगा तो नहीं तुम लोग को कपड़े नहीं मिलेंगे. भाई सब लोग एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है. बस अंतर खाली एक बात का है कि बेनिफिट्स मिलते हैं. नेशनल पार्टी में बेनिफिट क्या है कि तुमको भाई टीवी पे ऐड करने का मौका मिल रहा है, ऑफिस मिल रहा है दिल्ली में, ये वो मिल रहा है. स्टेट पार्टी को भी चिटपुट बेनिफिट्स देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, कर लो. बाकी ये नहीं कि कोई छुआछूत की बीमारी थोड़ी है कि भाई उनके साथ कोलिशन नहीं कर सकते, उनके साथ पार्टी नहीं कर सकते, उनके साथ वो नहीं कर सकते. कुछ भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी गवर्नमेंट बना सकता है, कोई भी किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट बना सकता है. देयर इज नो रोल, सॉरी, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट व्हाटसोएवर. एवरीवन इज अलाउड टू मेक गवर्नमेंट्स इन व्हिचएवर स्टेट दे वांट टू. द बेनिफिट्स आर डिफरेंट इन द सेंस दैट किसी को जो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी होती है उनको ये बेनिफिट्स मिलते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे. ये वाले बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स मिलते हैं स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी को. बस इतना अंतर है. मैं कहां चला गया? ये क्लियर? गॉट दिस? फ्री एयर टाइम. हाँ, बस अंतर ये होता है कि जो स्टेट पार्टी होती है, स्टेट पार्टी में 40 स्टार कैंपेनर्स नहीं, कितने स्टार कैंपेनर्स? 20 स्टार कैंपेनर्स. यहां पे क्या होगा? यहां पे आपको 20 स्टार कैंपेनर्स मिलेंगे स्टेट पार्टी से. बस ये अंतर आ जाएगा. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि ये है, स्टेट पार्टी को 20 स्टार कैंपेनर्स मिलते हैं, नेशनल पार्टी को मिलते हैं 40 स्टार कैंपेनर्स, बाकी सबका सेम है. क्लियर? क्लियर हो गया? आगे चले. ओके, टॉकिंग अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ स्टेट पार्टीज, टॉकिंग अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ स्टेट पार्टीज. So when we talk about the state parties have got 5 criteria. पहला criteria क्या है? कि आपके पास 6% वोट आए हो, 6% वोट आए हो, प्लस एक सीट आई हो इन लोकसभा. तो अगर किसी भी स्टेट में आपके साथ ऐसा हुआ है, लेट से यूपी में आपके साथ ऐसा हुआ है, तो यूपी में क्या होगा? आपको स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा. अगली कंडीशन, 6% वोट प्लस 2 सीट्स. अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ तो एक सीट नहीं, एलएस में एक सीट, यहां पे 2 सीट चाहिए होगी. क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? ओके, अगला है 3% और 3 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में आपके पास कितनी सीट्स आई हो? 3% सीट्स या तो 3 सीट. कितनी सीट आई हो? या तो 3% सीट या तो 3 सीट. क्लियर? क्लियर? आगे चलें. अगला है, आपके पास लोकसभा इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में क्या हुआ हो? 1 in every 25 seats. क्लियर? लोकसभा इलेक्शन के हर 25 में से एक सीट तुम्हारी गई हो. क्लियर हो गया? और लास्ट कंडीशन क्या है? लास्ट कंडीशन है 8% वोट्स इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली.
इसमें कोई सीट का नहीं है, इसमें खाली वोट का है, क्लियर हो गया। थर्ड कंडीशन लक्ष्य ये है कि जब भी लोग लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ हो तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में क्या होगा, तुम्हारे पास सीट्स का क्राइटेरिया दिया गया है, तो कितनी सीट्स आनी चाहिए, या तो 3 सीट आ गई हो या तो टोटल में से 3% सीट आ गई हो। मान लो अगर स्टेट में 100 सीट्स थी या मान लो स्टेट में 200 सीट्स थी तो तुम्हारे पास 6 सीट आई हो, तो या तो 3 या तो 3% सीट्स। क्लियर, क्लियर हुआ, या तो 3 सीट या तो 3% सीट, क्लियर। Is this clear, everyone? बताइए अगर 4 सीट आ गई तो भाई एक सीट को तोड़ देना, उसको आग जला लेना ठंडियों में, क्या करूं मैं 4 सीट का। बोला ना कि या तो 3 सीट हो या तो 3% सीट हो, भाई कितनी भी आई हो 3 के ऊपर आनी चाहिए। हो सकता है कि उस स्टेट में टोटल मान लो लेट्स से सिर्फ 100 सीट रही हो, तो 100 सीट में तुम्हारे पास 3 सीट आ गई, तो 3% का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया या 3 सीट का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो इसमें से कोई भी एक कंडीशन आ जाए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। पहली कंडीशन में तो कोई डाउट नहीं होगा, क्या है, 6% वोट्स प्लस 1 सीट इन लोकसभा। अगला है 6% वोट और 2 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला है 3% सीट्स और 3 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला है 1 out of 25 सीट्स ऑफ दैट स्टेट इन लोकसभा। और लास्ट है 8% वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा। तो 2 कंडीशन लोकसभा से संबंधित है, 2 कंडीशन लेजिस्लेटिव असेंबली से संबंधित है और 1 कंडीशन मिक्सचर है। टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 5 कंडीशंस। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आप समझ आया। इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लो, स्टेट पार्टी बन जाओगे। इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लो, स्टेट पार्टी बन जाओगे, कोई लोड नहीं है। समझ आ गया, इज इज क्लियर एवरीवन? बोलो भाई, आया कि नहीं आया आप लोग को? आप पार्टी का बना रहे हो यूपी में, तुम लोग लॉ कर लो ताकि जब फिर लड़ाई वड़ाई हो तो तुम लोग आ जाओ धरना वरना करने के लिए। आप लोग के बिना मैं कहाँ ही कुछ कर पाऊंगा, आपको पता है। जस्ट वेटिंग फॉर यू गाइस एंड गर्ल्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई। Is it very very clear to everyone? ये लिखा है 1 by 25 seats. 1 by 25 seat मतलब क्या हुआ? हर 25 में से एक सीट तुम्हारी हो। हर 25 में से एक सीट तुम्हारी हो। मान लो यूपी में लोकसभा की 50 सीट है। यूपी में लोकसभा की 50 सीट है। तो तुम्हारे पास अगर 2 सीट या 2 से ज्यादा सीट आ गई है तो तुम बन जाओगे। क्लियर हो गया? ये क्राइटेरिया कहां दिया हुआ है? रोहिणी तुम्हारे भी दिमाग में बत्ती लग गई है क्या? स्विच ऑन करना भूल गई हो? नोट करो, भूख लगी है ऋतु, रुको कर रहा हूं। बोलो बे, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। ये फ्री क्लास है ना, नेहा इतने पैसे हो गए हैं कि अब फ्री और पैसे वाली जो चीजें पेड है उनमें अंतर ही समझ में आता है ना, तो मेरी लाइफ ही कुछ बदल चुकी है। हाँ भाई, फ्री क्लास है यार, बताओ ना सर प्लीज। सब्स खत्म आज, सब्स खत्म, सब्स ओके।
कोई दिक्कत नहीं, आज सब्स खत्म, डोंट वरी, कल भी एक क्लास होगी, और ये क्लास के लिए आपको सब्स नहीं चाहिए, ठीक है? और जितने बच्चे यहाँ पे हैं जिनको सब्स चाहिए, सब्स वाले सारे बच्चे, इफ यू वांट टू गेट अनअकैडमी सब्स एंड वांट टू जॉइन अनअकैडमीज आइकॉनिक एंड प्लस क्लासेस, यू ऑल कैन जॉइन द सेम, इंक्लूडिंग दिस डिस्काउंट कूपन, इट्स राघवेंद्र 10, दिस इज देयर फॉर यू ऑल, ओके? सब्स का फुल फॉर्म जानना है तो उसके लिए प्लस क्लास में आना, वहां मैं बताऊंगा, ठीक है? ओके पीपल, एवरीवन, ये क्लास खत्म कर दूं, अब जाऊं, शाम को मिलेंगे, शाम को भी गॉट अ क्लास। हाँ, सैटरडे का सीन है कुछ, मतलब मेरा पूछ रही हो कि क्लास से पूछ रही हो? क्लास करूंगा, आई ट्राई टू हैव अ क्लास, शाम को क्लास करेंगे, शाम को क्लास करेंगे, कब करेंगे? 6:30, हाउ अबाउट 6:30 पीपल, हाउ अबाउट 6:30, हाउ अबाउट 6:30, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यस यस देवेंद्र, यस यस, हाउ अबाउट 6:30? फाइन, चलो, अच्छा, आई विल फाइंड अ टाइम फॉर यू, आई विल फाइंड अ सुटेबल टाइम, I'll find a suitable time, don't worry. I'll find a suitable time. Yes, Lakshya. अबे जान ले ले मेरी। कुछ 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 बोल तो रहा हूँ ना। हाँ, शाम को करना है। ठीक है, शाम को मिलेंगे। चलो भागो यहाँ से, निकलो। सर प्रॉमिस ना आओगे? प्रॉमिस मत करवाओ यार, प्रॉमिस तो टूट जाती है। ऐसे ही बोलता हूँ, नहीं आऊंगा तो दुख भी नहीं होगा, आऊंगा तो खुशी बढ़ जाएगी। ओके, लेट्स नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस। सर आईडी की पिक शेयर करना, करता हूँ। बाय पीपल, सी यू ऑल, बाय एवरीवन, बाय चिन्मयी, बाय चंदन, बाय भविजीत, बाय आई नो, बाय रोहिणी, बाय अनुराग, बाय एवरीवन, सी यू ऑल, गो हैव योर लंच, सी यू ऑल। अच्छा एक चीज और, एक मिनट रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? एक मिनट रुको, मेरा प्रमोशन बचा हुआ है ना अभी। सो अन अकेडमी का फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट इज गोइंग टू हैपन ऑन 9th of April टुमारो एट 2 PM, सो यू ऑल हैव टू टेक दिस थिंग, राइट? रोहिणी वो बाहर चली गई है, उसको शाम वाली क्लास मिलवाता हूँ, तो आप लोग ये कर लेना, 2 बजे टेस्ट है, उसको अच्छे से देना, और स्कॉलरशिप टेस्ट में बढ़िया से अगर परफॉर्म करोगे तो स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका मिलेगा, ठीक है? अभी क्या स्कॉलरशिप में आपको क्या मिलेगा डिस्काउंट, मतलब स्कॉलरशिप क्या मिलेगा? पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, यू कैन गेट अन अकेडमी सब्स, सो यूजिंग दीज अन अकेडमी सब्स यू कैन ऑल्सो टेक माई प्लस कोर्सेज, अदर आइकॉनिक प्रोग्राम्स, सो सारे के सारे फैसिलिटीज आपको मिलेंगे, और ये नए नए जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन देम यू कैन एनरोल फॉर दीज प्लस कोर्सेज, एंड इफ यू आर नॉट ऑलरेडी ऑन द प्लस प्रोग्राम यू कैन गेट अन अकेडमी सब्स फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलेगा, जब मैं अन अकेडमी को रन करूंगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट बुला दूंगा आप लोगों को, लेकिन अभी के लिए इफ यू वॉन्ट द अन अकेडमी सब्स यू कैन गो फॉर सब्स, मतलब सब्सक्रिप्शन, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन एट डिस्काउंट ऑफ 10% यूजिंग दिस डिस्काउंट कोड RAGVIR10, ओके? चलो बाय, मुझे भी मन करता है डॉग लाने के, पापा बोलते हैं तेरे भाई का किसी से काम है क्या, मेरे को ही बोलते थे, लेकिन अब मैं ले आता हूँ तो फिर बताता हूँ कि आ गया, बता के लाना छोड़ दिया मैंने, ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक आप लोग तब करिएगा जब आप लोग लॉयर्स बन जाइएगा, नहीं तो 2-3 थप्पड़ पड़ जाएंगे अलग से। बाय।